सालो, जितना ध्यान से तुम इस बादाम को देख रहा है उतना ध्यान तुम अगर पढ़ाई में लगाया होता तो तुम भी आईपीएस बन गया होता। नहीं यार, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इस बादाम में, सब लोग इसी बादाम के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब यार तुम ही बताओ कि क्या लगता है तुम्हें, मतलब देखकर क्या लगता है कि इस बादाम में है क्या। देखो यार, और साला जिस हिसाब से इस बादाम का प्रमोशन हो रहा है ना, कि बादाम भी बोलेगा मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है। हाँ तो कैसे हो भाई। तो यार आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर नए उभरते हुए मॉडल के बारे में। तो देखो यार, आज तक हमने कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन तुम में से कुछ सब्सक्राइबर है जो बोलता है बे भौसड़ी के कभी वीडियो में मिर्ची मसाला तो लेके आओ। पहले तुम कब तक एक ही चीज के पीछा पड़ा रहेगा मुरारी भाई, तुम्हारा वीडियो कुछ तरकता भरकता नहीं आ रहा है। नहीं यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तरकता भरकता होता क्या है। नहीं मेरे पास इसके जैसा गांड है जो तुम्हें मटका के दिखा सकूं, नहीं मेरे पास इसके जैसा दूध का फैक्ट्री है जो तुम्हें पिला सकूं। सही बात है, लेकिन एक मिनट यार, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुमको दूसरे से उधार लेकर तो पिला सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यार आज हम ऐसे ही कुछ नए नमूने इंस्टाग्राम मॉडल को दिखाएंगे, तो यार वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा तो चलो यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, और लेते हैं भगवान का नाम। साले सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा पीटने वाले हो। नहीं मतलब यहाँ क्या थोड़ा सा नजर ऊपर नहीं डाल सकते हो? नहीं। अरे यार, अब इस दीदी को कैसे समझाए कि तुम्हें देखकर हम जैसे सिंगल लौंडों का ख्वाब टूटता जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार हम कुछ कहना नहीं चाहते, बस दिखाना चाहते। एक तो वैसे ही हम लोगों का जिंदगी मजाक बना पड़ा है, और ऊपर से ये लोग सिंगल लौंडों के साथ ऐसे खेल खेलता है। हेलो, अकेले हो? फिकर मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी। अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। यार तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। मतलब सच में यार, सिंगल लौंडा ना ढोल के तरह होता है, कोई भी आके साला बजा के चला जाता है। यू आर राइट ब्रो। तो यार तुम्हें क्या लगता है कि यह दीदी का फैशन है? नहीं यार, यह कोई फैशन नहीं है, बल्कि दीदी का ड्रेस चूहा काट के चला गया है। सही पकड़े हैं। काम ऐसा करो के लोग कहे 150 रुपया देगा। ये देखो, दीदी को शायद भरम हो रहा है कि कोई इसे 150 रुपया देगा। अरे दीदी, 150 रुपया तो बहुत हो गया, अगर तुम्हारे लिए कोई 50 रुपया दे दिया ना तो उसके लिए बहुत हो गया। अगर मेरे पास आएगा तो 300 दूंगा, सीधा डबल। अरे यार, इसको कौन कहता है बीच में आने के लिए, छोड़ो इसको, चलो आगे देखते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, तुम समझ गया होगा। तो यार देखो, तुम लोग अगर सोचते हो कि दीदी यह क्या दिखा रही है, तो दीदी अपना टैलेंट दिखा रही है, क्योंकि दीदी के पास तो यही टैलेंट है जो तुम लोगों के सामने दिखा रही है। काश सापुन के पास भी ऐसा टैलेंट होता तो मैं भी दिखा सकता था। अरे यार कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आप उनके पास नहीं है ऐसा टैलेंट। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अच्छा तो ब्यूटी दीदी, ये भी बता दो कि कितना में बेचते हो, क्योंकि मेरा भी दोस्त है पैसा वाला, वो उससे ज्यादा पैसा देगा। हाँ क्यों नहीं, अगर वो 1000 देगा तो मैं 2000, अगर 2000 तो मैं 4000, सीधा डबल। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, और चैनल पर कहीं से भी आ गए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम ऐसा वीडियो नहीं बनाते थे। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ताकि हम ऐसा वीडियो फिर बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, 2-4 जितना भी होगा बनाएंगे, ठीक है। तो यार बस जैसा भी हो बता देना। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।